Student, today is a starts new topic online classes. This topic is very, very important. The students, be careful. And requested point is students, please video like, share, subscribe, and bell icon press. The students, today's this topics collected very, very important on boats rides. The topic collected in CIT book regarding the student to see on board and start the topic. The student, today is the take the topic. Physical properties of group 18 elements. Student, आज का हमारा जो लिया गया टॉपिक है वह जो है 18 ग्रुप का physical properties हम देखेंगे, उसके बाद chemical properties देखेंगे, यानी कम एक है कम से briefly की study किया जाए। तो पहले हम start करते हैं physical properties को। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल बोर्ड के ऊपर ध्यान दें कि सर एक एक वर्डों को क्लियर करते चल रहे हैं, तो उसमें कौन सा चीज कैसे उस चीज को दिया गया है उसको समझने का प्रयास करें। तो पॉइंट फर्स्ट है हमारा ऑल द नोबल गैस आर ए मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक यानी जितने नोबेल गैस होते हैं आपको बताया गया है नोबेल गैस हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेयॉन। ठीक है, ये जो है ये पूरा जितने दिखाई दे रहे हैं 6 के 6 एलिमेंट्स ये नोबेल है। मोनोएटॉमिक यानी सिंगल एटम जो शो करेगा ऐसे जो है एलिमेंटों को मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स कहते हैं। यानी नोबेल गैस जो होता है वह आल मोनोएटॉमिक होते हैं। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, दे आर कलरलेस, ऑडरलेस एंड टेस्टलेस। यानी जो आपका ये नोबेल गैस जो होता है वे जो होते हैं कलरलेस होते हैं, उनका कोई रंग नहीं होता है, गंधहीन होते हैं, स्वादहीन होते हैं। यानी नोबेल गैस रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, दे आर द पीपिंग सोल्युबल इन वाटर्स। यानी ये वाटर्स में बहुत ही स्लोली सोल्युबल होते हैं। पॉइंट नेक्स्ट, दे हैव ए वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज़ द ओनली टाइप्स ऑफ द इंटरेक्शंस इन द दिस एलिमेंट इज द वीक डिस्पर्शन फोर्स। यानी कहने का मतलब यह है कि जो नोबेल गैसें होती हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, क्योंकि वे केवल जो है इंटरएटॉमिक इंट्रैक्शन शो करते हैं, जिसके वजह से ये एलिमेंट वीकली डिस्पर्शन फोर्स डिनोट करते हैं, जिसमें हीलियम हाई पर लो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट 4.2 केल्विन ऑफ द एनी नोन एज सब्स। यानी कहने का मतलब यह है कि हीलियम का जो होता है बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, जिसमें जो है और सारे सब्सटेंसों को इस तरह अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा है केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी हम अब केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे ग्रुप 18 के एलिमेंटों को। ओके, इन जनरल नोबेल गैसेस आर द लेस रिएक्टिव, दे आर इन द इनर्टनेस टू द केमिकल रिएक्टिविटी इज द रिलेटेड टू द फॉलोइंग रीजंस। यानी कहने का मतलब यह है कि नोबेल जो गैस होती हैं उनका सामान्यतः वे जो होते हैं बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, नॉन रिएक्टिव के बराबर होता है, जिनके निम्न कारण दिए जाते हैं, निम्न रीजन दिए जाते हैं, फॉलोइंग रीजन दिए जाते हैं,
यानी 2HE 4, ये 2 जो दिखाई दे रहा है इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं और इसको एटॉमिक मास कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर जो होता है 2 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे 1s2 होगा, क्या होगा 1s2, यानी पहला सेल में ही उसका जो है कंप्लीट हो जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन और यह सब सेल के अंदर वो अभिलंब हो रहा है। तो यह इसलिए यह एक्सेप्शनल टेंडेंसी शो करता है क्योंकि इसका पहला सेल ही जो है एक आपके कंप्लीट करता है, इसलिए यह जो है नोबेल एलिमेंट्स के अंदर इसका स्टडी करते हैं। ओके, जिसमें ये फॉलोइंग रीजंस में हमने दिया था स्टूडेंट प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके थैंक्स।